अस्सलाम वालेकुम। सो क्या हाल चाल आपका? सब उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफी से होंगे। तो आज मेरा 10वां व्लॉग है जो रमज़ान के इस अशरे का लास्ट वाला व्लॉग है, क्योंकि तीन अशरे होते हैं रमज़ान में। ये पहला अशरा था जिसका लास्ट व्लॉग है। बाकी आज के व्लॉग में तकरीबन सुबह 3:30 का टाइम है और हम अभी जा रहे हैं सहरी के लिए बाहर। तो इस तरह हम साथ साथ आपको सारी अपडेट देंगे, जिस तरह लास्ट व्लॉग में मतलब व्लॉगिंग से पता नहीं चलता किधर से किधर निकल जाएं। इस तरह लास्ट व्लॉग में व्लॉग यूनिवर्सिटी का था, लेकिन उसमें हमने जो मतलब ये बाहर जो बाज़ार वगैरह था उसे रिवील किया कि क्या हिसाब किताब है सबका। बाकी नीचे देखें कोई मतलब पानी वाला एरिया तो नहीं है। खैर तो अभी आज देखते हैं आज के व्लॉग में कौन सी अपडेट्स आती हैं। फिलहाल तो हम जा रहे हैं सहरी के लिए। आज फिर हमारा जो प्रोग्राम है, बेशक गला ख़राब हुआ था लेकिन प्रोग्राम हमारे हर सुबह क्या पराठा ही खाना है, लेकिन आज हम उधर से पराठा नहीं खाएंगे जहाँ से पहले खाया था। आज हम खाएंगे कोयटा टी स्टॉल से पराठा, क्योंकि उनका ज़रा जो बनाने का तरीका और उनकी सफाई है वो अच्छी है। तो आज हम जा रहे हैं उधर पराठा खाने के लिए। तो क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि सहरी के लिए जो बाकी होटल्स हैं उन सबको भी बिना विज़िट करते हैं और देखते हैं क्या हिसाब है उन सबका। तो अभी हम जा रहे हैं कोयटा टी स्टॉल में, वहाँ जाके देखते हैं पराठे खाने हैं कौन से, आलू वाले या सिंपल। सिंपल का वैसे मूड बना हुआ है, सादा चार का मज़ा आता है उसका ना ये कोयटा टी स्टॉल के। तो बाकी ये भी देखते हैं साथ जाके कौन सा खाना है। अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम पहुंच चुके हैं कोयटा टी स्टॉल में। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जरा थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलिए ताकि माइक में आवाज़ आ जाए। जी भाई क्या बना रहे हैं आप? मैं चाय बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपके पास दो तरह की चाय होती है, एक स्पेशल चाय होती है एक दूसरी होती है? अच्छा अच्छा, होता है तो जो स्पेशल चाय और सिंपल सादा चाय है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? सिंपल चाय में सादा चाय में जो है ना, और स्पेशल चाय हम लोग जो है ना वो शक्कर डालता है। शक्कर डालता है जी, इलायची डालता है उसमें। सादा चाय में जो है ना शक्कर नहीं डालता है, चीनी डालता हूँ हम लोग। और इलायची डालते हैं सादा में? जी जी। मतलब कि बस शक्कर का फ़र्क है जी जी, और कप का फ़र्क है बस, ये शक्कर और चीनी का फ़र्क होता है। सही होगा। बाकी माशाल्लाह चाय का टेस्ट अच्छा है आपका। बाकी दूध वगैरह खालिस है? जी जी खाली दूध है। जो आजकल मार्केट में दूध बिक रहा है पाउडर वाला, वो सीन तो नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल, स्पेशल दूध हम लोग डेयरी चलाते हैं, वो डेयरी रखा हुआ। सही हो गया माशाल्लाह। बाकी बाहर ना बन रहा है वो पराठे वगैरह, चले पराठे वाले भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल आपका? उम्मीद करता हूँ कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं शुक्र है। और भाई कौन से पराठे बना रहे हैं आप? ये लच्छेदार पराठा है। लच्छेदार पराठा है, सही हो गया। बाकी ये पराठे तैयार हो रहे हैं लच्छेदार। तो ये कौन सा आटा यूज़ करते हैं आप? ये फाइन दुमड़ आटा। कौन सा? फाइन दुमड़ आटा। दुमड़ आटा जो लाल आटा होता है वो नहीं चलता? नहीं नहीं, वो तो इस पराठे में नहीं चलता है, वो तो घर में लोग बनाता है उसी से डायरेक्ट बस। अच्छा, ये मैदे वाला होता है? नहीं नहीं, ये फाइन आटा है स्पेशल। अच्छा फाइन आटा। हाँ सही हो गया माशाल्लाह। तो बाकी काम शाम सही चल रहा है? शुक्र अल्लाह का, बहुत माशाल्लाह चलें ठीक है। बाकी ये हम इधर आए हैं आज पराठे वगैरह खाने के लिए। इनका जो पराठा का बनाने का स्टाइल है ये देखें, साफ़ सुथरा। जो कल खाए थे वो नहीं थे सही है, उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। बाकी जो आज पराठा वगैरह खा रहे हैं वो ये वाले, उसके अलावा हमारे ये वाले भाई हैं, ये बहुत अच्छी सर्विंग करते हैं। भाई क्या हाल चाल आपका? ठीक ठाक है? आप सुनाओ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बाकी ये खान है कोयटा टी स्टॉल, ये कोयटा से सब लोग आए हुए हैं। इन्होंने पंजाब में आके, यकीन करें इन लोगों ने पंजाब में आके ना बहुत ज़्यादा काम किया है। मतलब अब हर शहर में इनका इनकी शॉप मस्ट है। मतलब सियालकोट में भी 7-8-10 दुकानें हैं इनकी, बस रोड में है, फैसलाबाद में बहुत सी इनकी कोयटा टी स्टॉल है। और ये कम दाम में बेहतरीन चीज़ देते हैं, क्योंकि हम खुद इनसे खाना खाते रहे हैं, पहले भी खाते रहे हैं अभी भी खा रहे हैं। तो इनका जो मैार है वो अच्छा है। बाकी ये भाई लोग अभी ऑयल वगैरह डाल रहे हैं, पराठा वगैरह बना रहे हैं। ये चेक करें कितनी सफाई के साथ, वो हाथ के साथ टच भी नहीं कर रहे ताकि हाथ ना लग जाए। उन्होंने लकड़ी के साथ चीज़ें रखी हुई हैं ताकि बिल्कुल सफाई के साथ जो है ना वो चीज़ें अवेलेबल करें। अभी इसी तरह सोसा सेट हो जाएगा। अच्छा भाई, ये जो क्रिस्पी बनता है ये क्या चीज़ यूज़ करते हैं आपने? यार इसमें हम लोग तो दूध मिक्स करता है, एक तो ग्लूकोज होता है ना वो मिक्स करता है। ग्लूकोज? अच्छा अच्छा, वो जो सोडा होता है? नहीं नहीं, सोडा अलग होता है, ग्लूकोज जो लोग पानी में डाल देते हैं बना लेते हैं ना। हाँ, उसका कोई नुकसान तो नहीं सेहत के लिए? नहीं नहीं कोई नुकसान है, दूध मिक्स करता है, दूध नुकसान सेहत के लिए नुकसान होता है। बाकी ये देखें पराठे वगैरह बन रहे हैं। बाकी चलें ठीक है भाई, हम खाते हैं टेस्ट करते हैं बताते हैं व्यूअर्स को। ओके, बाकी ये देखें पराठे वगैरह आ चुके हैं। ये हमारे प्यारे भाई पराठे वगैरह लाए हैं,
जो कि शर्माते हैं बहुत ज़्यादा। बाकी ये देखें पराठे फुल टाइम क्रिस्पी हैं देखें, और साथ कुछ चने मंगवाए थे वो पराठे हैं। अभी जो स्पेशल चाय है वो आ रही है, सोचा था इनका सब कुछ टेस्ट करते हैं। वैसे चाय साइड में पीते तो नहीं हम, लेकिन स्पेशल चाय आपको दिखानी थी इसलिए साथ ले रहे हैं। बाकी ये पराठे वगैरह, और ये हमारी देखें माशाल्लाह जी, आप नहीं आएंगे वीडियो में, ये माशाल्लाह चाय वगैरह आ गई है जी, चेक कर रहे हैं मतलब कितनी प्यारी लग रही है। उसके अलावा इधर रख दें आप, चलें कोई बात नहीं, छोटे मोटे मामला साथ साथ ही हैं। हारिस यार क्या करते हो यार आपने, ये क्या क्या काम किया यार आपने हारिस? हारिस भाई भूख लगी हुई है जी, सारी वीडियो मेरी ख़राब कर दे भाई यार, कुछ बोलो बिच, ये क्यों किया आपने, गलती क्यों हुई आपसे? कैमरे के सामने नहीं बोलना कुछ भी। ओके खान भाई बहुत मज़ा आया आपके साथ, मेहरबानी, बहुत अच्छा टेस्ट था। ओके बाकी हमने खान से सैर वगैरह कर ली है, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया है, टेस्ट वगैरह अच्छा था क्या? पहले तो खान हाँ, बाकी है कि टेस्ट वगैरह बहुत अच्छा था खान साहब का। अभी देखते हैं इसके साथ क्या कैफियत रहती है, सेहत की गला वगैरह जो ख़राब था मजीद ख़राब नहीं होता, पहले भी थोड़ा बहुत ख़राब है लेकिन अब देखते हैं क्या हिसाब है इसका। बाकी वो गला शला ख़राब था उसके लिए मेडिसिन ले के आए हैं, पाकिस्तान में मंगाई गई तो खीर है, एक गोली मिली है कितने की, 82 की, 82 रुपये की एक गोली है गले वाली एजोमैक्स, साथ उसने दो चूसने के लिए दे दिए, कहता है इसके साथ फ़र्क पड़ जाएगा, चलो बाकी फ़र्क पड़ जाए बाकी ठीक है। बाकी देखिए मैं गाय का क्या दौर आ गया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, हाँ सही सही, क्या हाल चाल आपका? ठीक ठाक है। आज क्लासेस वगैरह हमारी हो गई हैं ऑलमोस्ट, मैथ वन का लेक्चर चल रहा है वो लेक्चर वगैरह ले लिया, बाकी अटेंडेंस वगैरह का आया था क्योंकि अटेंडेंस का सीन ये होता है कि अगर अटेंडेंस आपकी 75% से कम है तो आपको फ़ाइन पड़ जाता है इधर ना, मतलब 75 से अगर 70% 5,000, अगर उससे नीचे है तो फिर 20,000, फिर अगर 60% से नीचे है तो आप जो है ना वो पेपर ही अटैम्प्ट नहीं कर सकते, इधर ये सीन है 50,000 भी फ़ाइन पड़ रहे हैं बच्चों को। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अटेंडेंस वगैरह सारी 80% से अप ही है, 75 से ऊपर है, 80% से भी ऊपर ही है। तो ये सीन अभी हम इधर बैठे हुए थे, वो अटेंडेंस वगैरह देखी थी पर पता नहीं था कुछ चल रहा, तो वो सारा हिसाब वगैरह लगाया है, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर जा रही है। अब जो ये मार्च का महीना जो ये रमज़ान वाला है, इस महीने में थोड़ा सा काम वगैरह ख़राब है, इसमें यह है कि रमज़ान का रोज़ा रखे सहरी के बाद उठा नहीं था जा रहा, दो दिन सही से क्लासेस नहीं ली गई, तो इसमें थोड़ा मसला पड़ना है, बाकी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सब। तो अटेंडेंस दे के तो भाई फुल काम ख़राब हुआ पड़ा था, वो अटेंडेंस शो कर रहा था, परसेंटेज आ रही थी कि मैथ वन की मेरी आ रही थी 13% मेरी अटेंडेंस आ रही थी 100 में से, और 50% से नीचे हो तो बता पेपर नहीं दे सकता, मेरी 13% आ रही थी 100 में से। तो शुक्र है वो कम्युलेटिव जो ओवरऑल था उसका मुझे नहीं था पता कि ये क्या चीज़ है, तो बाद में बताया सर ने कि ये ओवरऑल है, और ओवरऑल में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो उनसे ना वो 80% से अबव है, तो वो जो पहले 100% लगी हुई है उसने बचा दिया आपके भाई को, बाकी नहीं तो बहुत बुरा फंसने वाला था, सारी डिग्री ख़राब हो जानी थी। बाकी अभी ये देखिए मैं खड़ा हूँ इधर NFC के CS डिपार्टमेंट के 2nd फ्लोर पर, तो अभी यहाँ बैठ के तो वो नज़ारा वगैरह ले रहे हैं, खुद को थोड़ा खुशगवार कर रहे हैं, नहीं तो पूरा मूड जो था वो ख़राब हुआ पड़ा था। बाकी हारिस भाई आप बताओ आपके क्या विचार हैं इसके बारे में, इसके बारे में भाई अटेंडेंस के बारे में जो अटेंडेंस ठीक है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आगे देखो क्या बनते हैं। पहले क्या हाल थे जब परसेंटेज के बाद चला था कि इतनी डाउनग्रेड हुई है? पहले तो बड़ा मसला बना था, 5,000 फाइन पड़ जाने 1% के पीछे। हाँ वही ना, कम टाइट है। पहले सीन्स ये थे कि जब अटेंडेंस देखी है ना तो फुल हाथ में आ गई हुई थी कि भाई अब क्या करना है, फुल ही डाउन है, इतने फाइन पड़ जाते हैं, और फाइन तो ठीक है इतनी डाउन थी कि क्या नाम लेते हैं उसका, हम पेपर टैप भी ना नहीं कर सकते, ये सीन था। बाकी ये भाई भी आए हैं अटेंडेंस वगैरह देखने के लिए, अटेंडेंस का यार वो कह रहे हैं कि जो देखो अपनी कम्युनिटी देखो ठीक है, कम्युनिटी ये चीज़ है। ओके फिर मिलते हैं आपको। बाकी अब हम इधर टास्क वगैरह कर रहे हैं, क्लासेस तो कुछ दिन से नहीं ली वेब डेवलपमेंट की, लेकिन आज आए हैं तो आज टेस्ट है इधर, तो आज ये क्लासेस वगैरह हम कर रहे हैं इसकी, ये CSS है, ये HTML है, और ये सारा टास्क वगैरह कर रहे हैं हम इसके, इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक और फाइल में हो उसका टेक्स्ट इस पर शुरू हो, ये हिसाब है। बाकी HTML की क्लास वगैरह हो गई है, तो
आखिर रोजा वगैरह स्टार्ट हो गया है तो डेली बेस पर रोजा वगैरह लग रहा है। बाकी अभी हम जाएंगे अपने रूम में, थकावट वगैरह बहुत हो गई है अभी, असर की नमाज पढ़नी है 5 बजे, लेकिन अभी 1 घंटा है, 4 बजे है अभी, तो अभी रूम में जा सकते हैं। तो अभी डिपार्टमेंट से फारिग हुए हैं, अभी हम जाएंगे अपने रूम में, सारी यूनिवर्सिटी फारिग पड़ी है, बस इसकी ना क्लासेस हो रही हैं वेब डेवलपमेंट की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, और एक और कोर्स था मेरे जहन में नहीं आ रहा, ये जो एडिशनल कोर्सेज करवा रही है हुकूमत पाकिस्तान, उसमें ले लिया हुआ ऐसा, अभी हम वो करने आए हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग जो है वो ख़त्म हो गया है। तो जो आज के व्लॉग में था वो ये था, जो मैंने मेडिसिन खाई थी एजोमैक्स, एजोमैक्स गले के लिए एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, क्योंकि ये मेरा रिव्यू है, मैंने एक टैबलेट खाई है, मेरा गला बिल्कुल ओके हो गया और आवाज़ भी पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो एजोमैक्स का एक गोली मिलती है 82 रुपये की एजोमैक्स, तो यकीन करें अखीर मज़े की गोली है, तो एक गोली खा लेना, उसके बाद आप पानी शानी पिए, कोई मतलब उल्टी चीज़ ना खाएं। अभी मैंने सुबह जब रोज़ा रखा था तब ये गोली खाई थी, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट हूँ, गले का सारा इशू खत्म हो गया। बाकी आज का व्लॉग हम इधर ही ख़त्म करते हैं, मैंने ये आपको बताना था, अभी मैं व्लॉग ख़त्म करने वाला था, लेकिन मैंने कहा चलो फिर ये क्लिप एक ऐड कर देता हूँ, ताकि जो देखने वाले हैं अगर उनका कोई गला वगैरह रमज़ान है समोसे वगैरह खाने से गला वगैरह ख़राब हो ही जाता है, तो चलें वो ये एक गोली है टैबलेट है, चलो किसी का मदद हो जाएगी तो चलो अच्छी बात है। बाकी एजोमैक्स मैं इसका नाम भी मैंशन कर देता हूँ ऊपर, तो ये आप यूज़ करें, तो इंशाल्लाह आप दुआई देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।